जिसने इतने दिनों से काफी स्ट्रेंथ दिखाई, अब कहीं ना कहीं उसमें भी एक एग्जॉशन लग रहा है, प्रॉफिट बुकिंग लग रहा है हायर लेवल्स पे, और वो भी क्रूशियली अपने 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर प्लेस्ड है। ऑप्शन राइटर्स का बेस भी 43,500 का, तो ये काफी क्रूशियल मेक और ब्रेक लेवल है। अगर ये ब्रेक होता तो मुझे लगता है 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो कि लगभग 43,200 है वो टेस्ट हो सकता है। तो ओवरऑल अप्रोच फॉर द टाइमिंग बोथ इंडेसेस में दे आर अंडर प्रेशर। रही बात स्टॉक्स की, दो स्टॉक्स जो मैंने चूज किए हैं, पहला रहेगा आईटी सेक्टर से लॉन्ग, एचसीएल टेक का मुझे स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। इसमें एक 3-bar रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना है अपने इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस पे, मूविंग एवरेजेस काफी बेहतरीन तरीके से अलाइंड है और मोमेंटम काफी शानदार है स्टॉक में। 1097 का प्राइस है, बाय करें विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 1085 एंड अ टारगेट ऑफ 1115। सेकेंड स्टॉक है ऑन द शॉर्ट साइड जहां मुझे वीकनेस लग रही है, दैट इज हिंडाल्को। हिंडाल्को को मैंने शो से पहले मार्क किया था, इट इज ट्रेडिंग एट 401। इसका एक 405 का बहुत इंपॉर्टेंट स्विंग लेवल है जो उसने आज ब्रेक कर दिया, स्टॉक अपने सारे मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। सलाह यही रहेगी, अभी 401 का दाम है, अगर कहीं 402 403 के आसपास मिले तब शॉर्ट जाएं, 406 407 का स्टॉप लॉस होगा, टारगेट्स 391 के रहेंगे। ओके, चलिए ये कॉल हो गई अमित जी की, अब फ्रेश